जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव खरे में। आज हम बात करेंगे रोमिला थापर के बारे में। मतलब भारत है, यहाँ पर एक पैटर्न है, आप अंग्रेजी में बात कर लो तो आप बड़े क्रेडिबल हो जाते हो, और थोड़ा सा अगर फिरंगी एक्सेंट आपने पकड़ लिया तो बस कहना ही क्या। तो इन बहन जी का भी, मतलब अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, इनका एक्सेंट समझिएगा ज़रा। मतलब मैं लंदन में इतने साल रहकर आया हूँ, अभी भी हम इतना अच्छा एक्सेंट में बात नहीं करता जितना ये 20-30 साल इंडिया में रहने के बाद भी यहाँ की तरह बात नहीं कर पाते हैं। तीन मुख्य बातें हैं जो आज मैं आपसे करूँगा। पहला, क्या है लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी रोमिला थापर ने जो क्रिएट करी है, क्या बोला है उन्होंने ऐसा जो इतना गलत है कि इनका मजाक उड़ रहा है। दूसरा, इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने और सारे किस तरह के कारनामे करके दिखाए हैं, और तीसरा, क्यों होते हैं इस तरह के कारनामे। तो चलो कूदें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। सो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर वन से, ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है रोमिला थापर की। एक वीडियो में इन्होंने अपनी फेक फॉरेन एक्सेंट में बोला, व्हेन वन ऑफ द हीरोज युधिष्ठिर इज आस्क्ड टू टेक ओवर द किंगशिप एंड ही सेज नो आई डोंट वांट टू बी किंग, आई वांट टू बी अ रेनाउंसर, आई एम गोइंग अवे, एंड हिज ही इज देन पर्सुएडेड स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड द होल डिस्कोर्स इज वन ऑन किंगशिप एंड रेनाउंसिएशन, which is of course a fundamental discourse in Buddhism, power and renunciation, that goes on. And there are some historians who are today saying that maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, I don't want to be king, I would rather not have the power but be an ascetic and have a different kind of authority altogether. Because let's not forget that in Indian society, renouncers and ascetics were not people who just disappeared on the wayside. They were people of authority. People listened to them. Even kings had to listen to them. एक बात बताइए, ये कौन सी क्वालिटी का नशा आप कर रही हैं मैडम? हमें भी बताइए, हम लोगों के भी पैसे थोड़े से बचें। मतलब किसी सिंगल मॉल्ट विस्की में भी वो मजा नहीं है जो आप कर रही हैं उसमें होगा। आप लोगों को, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि सम्राट अशोका के बारे में कहते हैं कि 300 बीसी के अराउंड है। महाभारत, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, द्वापर युग की बात करते हैं तो कम से कम 3000 साल पहले उससे। मतलब अशोका के जो दादाजी थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो मेन गुरु या जो मेन एडवाइज़र थे चाणक्य जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में ना जाने कितनी बातें लिखी हैं, और रोमिला जी कह रही हैं कि युधिष्ठिर जो 3000 साल पहले थे उन्होंने सम्राट अशोका से सीखा कि भैया संन्यास कैसे लेते हैं, राजपाट कैसे छोड़ते हैं। एक समय होता था जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, तो जिसने जो बोल दिया वही गॉड बन जाते थे। मतलब न्यूज़पेपर में और दूरदर्शन में आता था कि भैया बड़े जाने माने हिस्टोरियंस हैं, अचानक से सब लोग समझ जाते थे। अब क्या है, ये सारे जो फ्रॉड्स हैं इनकी पोल इसलिए खुल रही है कि 2 सेकेंड में आप इंटरनेट पर सर्च करके फैक्ट चेक कर सकते हैं। इनके बैकग्राउंड पर जाते हैं रोमिला थापर के, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, उसके बाद भी माशाल्लाह क्या मतलब ब्रिटिश एक्सेंट पकड़ा मैडम आपने। हमारे काफी सारे अंग्रेज मित्र हैं जो आपसे सीखने के लिए आना चाहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो अभी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि जो करंट JNU जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बोला कि भैया अपना CV भेज दो, तो ये कहती है मैं CV कैसे दूंगी, मैं तो बहुत बड़ी हूं। इनकी बड़प्पन की बारे बातें करते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी इसको इन्होंने प्रोपोगेट किया, और ना जाने कितनी तरह तरह की जो ये फ्रॉड हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं इन्होंने लिख मारी हैं, जो हम सब के, और जब मतलब हम बचपन में जो पढ़ रहे थे या कॉलेज वॉलेज में जो पढ़ा, तो हमारे गले के अंदर ज़बरदस्ती जो सरकार थी उसने ठूसने की कोशिश करी, सब कुछ गलत सलत। मतलब हिंदुस्तान की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक होती है सनातन, फिर होती है मेडिवल, फिर होती है मॉडर्न हिस्ट्री। अब इन मैडम की हिस्ट्री में मतलब सनातन जो था, जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड महाभारत वैदिक काल वगैरह का, वो सब तो ज़ीरो, वो उन्होंने कहा ये माइथोलॉजी है। दूसरा, ये क्लेम क्या करती है, इनका फेवरेट गॉड है इंद्र। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा कि इंद्र जो हैं वो भगवान नहीं है, उनको देवता की कैटेगरी मतलब डेमी गॉड की कैटेगरी में रखता है। तो मतलब ऐसी कोई सी चीज़ तो इन्होंने करनी चाहिए थी जिसमें कम से कम फैक्ट चेक करने वाले में मज़ा तो आए। मतलब सभी चीज़ें इतनी बड़ी फ्रॉड करी हैं कि
ईजिली एक्सपोज हो जाती हैं बिल्कुल। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं कि क्यों इस तरह के हिस्टोरिकल फ्रॉड किए गए थे, क्या ये मतलब बस कोइंसिडेंस था ऐसे ही हो गए या फिर कुछ एक लार्जर एक बड़ी सी स्कीम थी। अंग्रेज़ों की अगर बात करें तो अंग्रेज़ किसी हालत में नहीं चाहते थे कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो मिलजुल कर एक साथ रहें, इसीलिए उनको डिवाइड करने के लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो निकाल के लेकर आए। अब जिस समय, मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिस समय आर्यन इन्वेजन थ्योरी या AIT जब आई थी तब DNA साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, अब DNA साइंस डेवलप हो गई है। लेटेस्ट रिसर्च और लेटेस्ट जो लैब टेस्ट हैं उसके हिसाब से पता चल गया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी बकवास थी, झूठ थी। सिमिलरली उस समय जो हमारे जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी कि आप सिमुलेट कर सको किसी भी चीज़ों को। तो आप अब जो हैं, जो वेस्टर्न जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि जो पामिस्ट्री वगैरह है वो सब बकवास है, नो इश्यूज़, लेकिन एस्ट्रोनॉमी तो बकवास नहीं है। महाभारत और ऋग्वेद, इसमें सारे जो कॉन्स्टेलेशन है, जो सितारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी प्रिसाइज डेफिनेशन दी है, प्रिसाइज लोकेशन दी है, इतनी प्रिसाइज लोकेशन दी है कि उसमें उसको इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, अगर किसी ने वहाँ एक्चुअली देखा है तो ही हो सकता है। और अब जो कंप्यूटर जो सिमुलेशंस हैं वो प्रूव कर सकते हैं, जो फिज़िक्स के जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रूव कर सकते हैं कि महाभारत और ऋग्वेदा ये सब माइथोलॉजी नहीं है, इसको माइथोलॉजी बोलना बंद करो, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज एंशंट हिस्ट्री। भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको और ज़्यादा नकारना आप पॉसिबल नहीं है, चाहे आपके कितने भी खतरनाक आपके डिज़ाइंस हों, चाहे आपके किसी भी तरह के मकसद हों, चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, और चाहे आप करण थापर के खुद कज़िन हों, एक्सपोज तो आप होकर रहोगी और अब इस बार हो गई हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप डाइव विद अभिनव करे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट कर हमें बताइए ऐसे और कौन से टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें इसमें।